मान्यता यह है कि इसमें आप कितना भी जल डाल लीजिए ये मूर्ति भरेगी नहीं, पर इसमें आप अगर 11 लीटर दूध डालेंगे तो वो ऊपर से छलकने लगेगा। सबसे पहले ये परिक्रमा 84 कोस की जो चली है उठाई है ब्रह्मा जी ने दी है। तो दोस्तों यहाँ की जो मान्यता है मैं अपनी लैब में तो बताऊंगा ही, और जो पुजारी जी हैं वो यहाँ की जो लोकल एक्सेंट में बोलेंगे तो वो भी मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा ताकि आपको वो आनंद आए, यहाँ पर आपके होने की अनुभूति हो जाए, आपको वो मैं चाहता हूँ। मधु मंगल का मैया उसी को पैक कर दो। ब्रह्मा जी देख रहे हैं वाने की यार ये तो ब्रह्म होना ही नहीं चाहिए, ये सबका जूटा मीठा कार्य है, ये ब्रह्म कहाँ, ये तो कोई बैरूपिया है। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी जगह पर लेके आया हूँ कि यहाँ पर ही भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी का घमंड तोड़ा था। अपनी वीडियो जय जय श्री राधे। ब्रह्म वन, तो आखिर क्या है यहाँ का इतिहास भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ, पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर बहुत ही पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है, UPI ID, Paytm या सुपर थैंक्स के स्टिकर खरीद के आप मेरी हेल्प भी कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। ब्रजभूमि में हर कण में भगवान कृष्ण हैं, भगवान कृष्ण के साथ साथ उनकी वो लीलाएँ हैं जो मैं आपको अपने वीडियोज के माध्यम से दिखाने वाला हूँ। दोस्तों देश में पुष्कर के बाद यहीं पर ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर है, ये वृंदावन में खड़ा हूँ मैं इस समय। इसी वन में ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से श्री कृष्ण की आराधना की थी, इसलिए इस गांव का नाम चौमुहा पड़ा और वन का नाम ब्रह्म वन। एक बार इस वन में बाल कृष्ण ग्वाल बालों के साथ बैठकर वन भोज कर रहे थे, तभी उनका ध्यान अपने मित्र मधु मंगल की ओर गया जो पेड़ों की ओट में छिपकर तीव्रता से अपनी माँ की दी हुई बांसी छाछ पिए जा रहा था। संकोचवश उसने इसे कान्हा को नहीं दिया। सभी लोग प्रसाद पा रहे हैं बीच में झुंड बना के, भगवान को सब लोग पवा रहे हैं अपने अपने हाथ से, भगवान के अनेक मुख हैं, कोई मुख का गिनती नहीं है, जौन सा ग्वाल वाल खिलाता सबका खा रहे हैं, किसी को ये पता नहीं था कि भगवान कहाँ है क्या है। ब्रह्मा जी देख रहे हैं वाने की यार ये तो ब्रह्म होना ही नहीं चाहिए, ये सबका जूटा मीठा कार्य है, ये ब्रह्म कहाँ है, ये तो कोई बैरूपिया है। तो अगले दिन आप बोलते हैं मधु मंगल आप प्रसाद लेके आएंगे हमारे लिए। तो मधु मंगल बिल्कुल गरीब घर का था, उसके पास कोई व्यवस्था नहीं थी, घर जाके मैया से बोलते हैं मैया ठाकुर जी ने प्रसाद मंगाया लाला ने, बोले बेटा उसके पास कौन सी कमी है, 9 लाख गैया वो अपने प्रसाद को क्या पाएगा, नहीं मैया जैसा हो प्रसाद रखो, उन्हें आप मांगा है तो पाएंगे। तो मैया बोली बेटा अपने पास तो आटा कोई व्यवस्था नहीं है, मैं 4 दिन पहले किसी पड़ोसी के यहाँ से कड़ी लेके आई थी वो रखी है। बेटा बोलते हैं मधु मंगल के मैया उसी को पैक कर दो। मधु मंगल कड़ी लेके आते हैं और सभी भक्त ग्वाल बाल और कईयों तरह के भोजन लेके आए 56 प्रकार के। तो भगवान सब लोग प्रसाद पा रहे तो मधु मंगल अपने शर्म के मारे दूर ले जाते हैं अपने प्रसाद को, कड़ी को एक घूंट मारा जैसा ही ठाकुर जी ने आवाज़ लगाई मधु मंगल कहाँ है अपना प्रसाद निकालो। अब मधु मंगल कैसे बोले, ठाकुर जी को तो सब दिख रहा था भाई, खट्टी चूक कड़ी तो मधु मंगल के मुख में ही रह गई, तो मधु मंगल के मुख में गुलचा मारो कड़ी बाहर आ जाती है। भक्त वत्सल्य भगवान दौड़कर उससे छाछ छीनने गए तो उसने गप से सारी छाछ मुंह में भर ली। इस पर बाल कृष्ण ने उसके गालों पर बहती छाछ को प्रेम से चाट लिया। यह देखकर सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए और सोचने लगे कि ये कौन सा भ्रम है, यानी कि भगवान कृष्ण के बारे में सोचने लगे कि ये कैसे अवतार हैं जो ग्वाल बालों की झूठन चाट रहे हैं, मैं इसकी परीक्षा लूंगा। भोजन उपरांत जब भगवान वृक्ष के नीचे सो गए तो ब्रह्मा जी ने सभी ग्वाल बालों को और बछड़ों को चुरा लिया और चुराकर उन्हें ब्रह्मलोक ले गए अपने साथ। तो कोई लोग उनमें से 2-4 भक्त गए गैया बछड़ा देखने के लिए, ग्वाल बाल बड़ी दूर तक जाते हैं तो ग्वाल गैया बछड़ा नहीं मिलते हैं, आके बोले लाला गैया बछड़ा तो नहीं मिले अपने कहीं दूर चले गए। बोले एक काम करिए आप प्रसाद पाइए जब तक मैं देख के लाता हूँ। भगवान गैया बछड़ा देखने जाते हैं जब तक ग्वाल बाल भी चुरा लेते हैं ब्रह्मा जी, ले जाते हैं ब्रह्म लोक में गैया बछड़ों के लिए ग्वाल बालों के लिए। तो भगवान आते हैं तो ना गैया ना बछड़ा ना ग्वाल बाल, भगवान देखते हैं अपनी दृष्टि से कहाँ है भाई बच्चा, ब्रह्मा जी ले गए कोई बात नहीं है। भगवान चलते हैं, जितनी गैया बछड़ा जितने ग्वाल बाल खुद सौम्य बन जाते हैं। ब्रह्म लोक का एक क्षण होता है अपने आगे, एक साल होती है बराबर होता है।
आंख खुलने पर बालकृष्ण समझ गए कि ब्रह्मा जी उनकी परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने स्वयं का विस्तार ग्वाल बालों और बछड़ों के रूप में कर लिया। इस तरह प्रतिदिन वे इस वन में गौचारण को आते रहे और संध्या को लौटते रहे। एक वर्ष तक इन सबको मातृत्व का सुख प्रदान किया। दोस्तों, एक वर्ष इसीलिए क्योंकि ब्रह्मलोक से पृथ्वी लोक आने में ब्रह्मा जी को एक वर्ष का समय लग जाता है। पृथ्वी का एक वर्ष और ब्रह्मा जी का एक क्षण बराबर होते हैं। ब्रह्मा जी ने क्षण भर बाद इस वन की ओर देखा तो उन्हें सब कुछ यथावत दिखा। यह देखकर ब्रह्मा जी विचलित हो गए। उन्हें अपने अपराध का बोध हुआ। फिर उन्होंने एक बार अपने ब्रह्मलोक में भी अपनी जो दृष्टि थी उससे देखा, अपनी जो दिव्य दृष्टि थी उससे ब्रह्मलोक में भी देखा कि वहाँ क्या चल रहा है। तो देखा कि वहाँ भी सारे ग्वाले और वो जो पशु वो चुरा के ले गए थे यहाँ से ब्रह्मा जी, वो वहाँ भी मौजूद हैं और यहाँ भी मौजूद हैं। उन्होंने इस ब्रह्म वन में आकर तप किया और अपने चारों मस्तक बालकृष्ण के श्री चरणों में रखकर अपने अपराध की बार बार क्षमा मांगी। तो ब्रह्मा जी आते हैं, देखते हैं तो वो ही गैया बछड़ा, वो ही ग्वाल बाल, कोई फर्क नहीं पड़ा, वो ही मधु मंगल था साथ में। ब्रह्मलोक में जाते हैं, वो ही गैया बछड़ा। ब्रह्मा जी विस्मित तो हो गए। जब तक ठाकुर जी क्या करते हैं, एक रूप से ब्रह्मा जी बन के ब्रह्मलोक पहुंच जाते हैं। द्वारपालों से बोले, भाई एक काम है, बैरूपिया ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, दो चार तो हमको मिले थे। पर एक और मुझे बात पता लगी है कि भगवान कृष्ण असल में ब्रह्मा जी का रूप धारण करके ब्रह्मलोक पहुंच गए थे और वहां पर फिर ब्रह्मा जी के ही द्वारपालों ने ब्रह्मा जी को अंदर घुसने ही नहीं दिया। कहा कि अंदर तो हमारे ब्रह्मा जी पहले से ही मौजूद है। यानी कि इतने सारे ब्रह्मा है ब्रह्मांड में कि उनकी गिनती करना असंभव है। कोई 10 मुंह वाला भी है, कोई 20 मुंह वाला भी है, कोई 1000 मुंह वाला भी है। और कई बार अगर आप महाभारत पढ़ेंगे या श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे या हरिवंशम पढ़ेंगे या फिर पद्म पुराण पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे ब्रह्माओं का उल्लेख मिलता है। अंदर ब्रह्मा जी आ तो अंदर मत आने देना, हम तो सहन कर रहे हैं। वो उनकी आसन पर जा बैठते हैं ब्रह्मा जी की पे ठाकुर जी। ब्रह्मा जी इधर उधर से भटकते हुए पहुँचते हैं तो ब्रह्मा जी रोक देते हैं द्वारपाल के, आप कौन बन गए ब्रह्मा? बन के कितने ब्रह्मा हैं? हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर हैं, आप तो बैरूपिया, चलो यहाँ से भगो। तो ब्रह्मा जी ने 41 बार स्तुति करी तो ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हुए और इंद्रदेव ने भारी मूसलाधार बारिश करी 7 दिन 7 रात ब्रज बहाने के लिए। उनने 8 स्तुति करी तो प्रसन्न हो गए। इसका फर्क है, इंद्रदेव ने सब नजदीक जोड़े थे भारी बारिश करके, सब पर्वत के नीचे गैया बछड़ा जो भी जीव जंतु, और ब्रह्मा जी ने 1 साल तक दूर रखे। तो ब्रह्मा जी से बोले, भाई ब्रह्मा जी आपका बहुत बड़ी गलती है, इंद्रदेव ने तो मेरे नजदीक जोड़े, आपने दूर करे। कि प्रभु जो भी गलती बन जाती है उसकी माफ तो किया जाता है, आप माफ़ करिए, गलती का दंड दिए। तो दंड देते हैं ब्रह्मा जी को। ठाकुर जी बोलते हैं, भाई एक बात है, आपको शर्त मंजूर करनी पड़ेगी तो आपको माफ़ किया जाएगा। बोलिए। बोले 84 कोस की दंडौती लेट के परिक्रमा देंगे और ब्रजवासियों के यहाँ मांग के खाना खाते तो आपको माफ़ किया जाएगा। बोला महाराज मंजूर है। सबसे पहले ये परिक्रमा 84 कोस की जो चली है उठाई है ब्रह्मा जी ने दी है। इसके बाद में ब्रह्मा जी बोलते हैं, भाई प्रभु एक बात है, मेरी ब्रज में पूजा होना चाहिए। तो ब्रज में यहाँ मूर्ति प्रगट हुई थी तो प्रगट वो जो मूर्ति हुई है उसमें 200 लीटर जल डाल दो तो नहीं भरेगी, दूध 11 लीटर तो भर जाएगा। जय जय श्री राधे। तो दोस्तों, ये है वो मूर्ति जो अपने आप प्रकट हुई थी यहाँ पर। अब काफ़ी समय बीत गया है तो ये मूर्ति अब जो आकार है इसका काफ़ी हद तक बदल गया है, पर ये वो मूर्ति है। मान्यता ये है कि इसमें आप कितना भी जल डाल लीजिए ये मूर्ति भरेगी नहीं, पर इसमें आप अगर 11 लीटर दूध डालेंगे तो वो ऊपर से छलकने लगेगा। अभी जब ये मूर्ति अपने स्थान पर लगाई जाएगी तो उसके बाद आपको यहाँ पर आके इसका परीक्षण करना है, क्योंकि अभी ये मूर्ति स्थान पर नहीं है। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता सही कि मुझे इसका कुछ भी परीक्षण करना चाहिए, और इसी बहाने कम से कम आप यहाँ आएंगे तो। जगह बहुत सुंदर है पर टूरिस्ट बहुत कम है यहाँ पर, है ना? यहाँ पे टूरिस्ट बहुत कम है, लोकल्स ज़्यादा हैं और टूरिस्ट कम है। ब्रह्मा जी ने यहाँ पर जो स्तुति की वह श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के श्लोक संख्या 1 से 61 तक है।
ये जगह जो है दोस्तों, ये काफ़ी समय से वीरान पड़ी थी, यहाँ पर कोई वृक्ष वगैरह कुछ था नहीं। अब तो ये काफ़ी बदल गई है, पर अभी भी यहाँ की जो स्थिति है वो कुछ खास अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी एक तो लोकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं और टूरिस्ट बहुत कम आते हैं। यहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा आएंगे, लोकल्स कम आएंगे, तभी यहाँ की जो स्थिति है वो बदलेगी। पर ये भी एक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में से एक है, जहाँ आप आ सकते हैं अगर आप वृंदावन आ रहे हैं तो यहाँ घूमने आपको एक बार अवश्य आना चाहिए।